बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में। ये होगा इसका भाग तीन और बाकी के रिमेनिंग पार्ट आप देख सकते हैं लूसेंट जी के वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के। आपको वहाँ पर मिलेगा कम्प्लीट हिस्ट्री, कम्प्लीट ज्योग्राफी, इस बुक के विविध जो सेक्शन थे उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फाइनली उसमें क्या क्या है वो आप जाके देखेंगे प्लेलिस्ट में, लेकिन अभी नहीं, वीडियो के अंत में। फिलहाल मैं शुरू करता हूँ आज का अपना ये वीडियो, लेकिन वीडियो को देखते समय अपने पास इस बुक को जरूर 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 रखें और इम्पोर्टेंट फैक्ट को अंडरलाइन करते चलें। अंडरलाइन के साथ साथ में अगर आपके पास में कोई हाईलाइटर रखा हुआ है किसी भी कलर का तो इस बुक को आप हाईलाइट करें। बुक नहीं है पास में तो मार्केट से जाके परचेस करें, अदरवाइज आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक मैं दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कृषि के बारे में हम बात करते हैं। देखिए कृषि जो है, खेती जो है, एग्रीकल्चर जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मेरुदंड है तथा जनसंख्या का 52% भाग अपनी आजीविका के लिए किस पर निर्भर है, तो ये है आपका कृषि पर। और निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय भी कौन है, ये है आपका खेती, एग्रीकल्चर। तो भारत में जो कृषि क्षेत्र के जीडीपी का 0.3% भाग जो होता है कृषि शोध पर व्यय किया जाता है। मतलब कि जो एग्रीकल्चर है उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट करी जाए, उसमें क्या कमियां हैं, क्या खामी है, उसको कैसे पूरा करा जाए। तो इस तरह के जो भी शोध वगैरह होते हैं इस पर केवल जीडीपी का टोटल 0.3% भाग ही व्यय, मतलब खर्च करा जाता है। सोचिए केवल इतना भाग, जबकि अमेरिका कितना खर्च करता है खेती के ऊपर, तो ये करता है 4%। और राष्ट्रीय किसान आयोग ने इसे 5% करने का सुझाव दिया है। देखिए जिस चीज पर अगर आप कम ध्यान दोगे तो वो क्या होगा, उसकी कमी को ढंग से पूरा नहीं करा जा सकता। एज फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आप मैथ में वीक हैं और आप मैथ में अगर टाइम नहीं देते हो, अपना टाइम उसमें व्यय नहीं करते हो, खर्च नहीं करते, तो उसमें आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आप ढंग की बुक मार्केट से परचेज नहीं करके पढ़ते हो तो आप शायद इम्प्रूवमेंट ना कर पाओ। तो टाइम देना पड़ता है, जिस तरह से आप टाइम देंगे आपका सब्जेक्ट उतना ज्यादा क्या होगा, अच्छा होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। उसी तरह से जीडीपी का जितना परसेंट भाग कृषि क्षेत्र में एंगेज होगा, उसके शोध के बारे में उसका रिसर्च वगैरह करेगा कि कौन सी कमी क्या है, कौन सी खाद उपयोगी है, नाइट्रोजन वगैरह कौन सी मात्रा में मिलानी चाहिए, कौन सा उर्वरक कहाँ से सस्ता मिलता है, तो इस प्रकार के शोध में जितना ज्यादा खर्च होगा खेती उतनी ही ज्यादा क्या होगी, अच्छी होगी, उसकी खामियों को जल्द से जल्द पूरा करा जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय किसान आयोग ने इसे कितना परसेंट करने का सुझाव दिया है, क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है आपसे एग्जाम में, तो ये है आपका 5%, याद रहेगा कितना, 5%। देखिए जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ था। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 2004 में। उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम था सोमपाल। क्या था, सोमपाल। देखिए फिर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका कौन करता है। देखिए चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में, आप याद रखना। मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट करके लिखा था कि सर आप मुझे ये चीज़ बताइए कौन सा उत्पादन कौन सा क्या करता है, तो आप इसको कम्प्लीट ही आप इसको याद कर लेना उसको यहाँ से। ठीक है, चावल का मैं इसको पूरा ही कर देता हूँ हाईलाइट, तो आप इसको एक बार देख लेना, गन्ने तक आपने याद करना है इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ये चीज़ आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए, कुछ क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे बने होते हैं कि आपको हर चीज़ टिप्स पर याद होनी चाहिए। जैसे कि आपको कुछ स्टैटिक जीके वगैरह होती है ना, जैसे वन लाइनर जीके की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे ढेर सारे वीडियो आपको मिलेंगे। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो कम से कम उतना आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट की राजधानी क्या है, कौन से राज्य की राजधानी क्या है, या फिर मैं आपसे बात करूँ ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी में आपको पता होना चाहिए कि कैस्पियन सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है, तो जैसे नदी का नाम है वोल्गा, और हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो शायद ये चीज़ आपको पता होगा, छोटा महासागर कौन सा है, मीठे जल की झील कौन सी है विश्व में, और कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका परतदार चट्टानों में, विक्टोरिया जो है मीठे जल की झील है, और आर्कटिक महासागर क्या है, विश्व का सबसे छोटा महासागर है, और सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पे आता है, तो ये आता है फंडे की खाड़ी में। तो इस तरह से जिस तरह से मैं आपके सामने बोल रहा हूँ बिना किसी
कहीं से देखे या फिर बिना बस इसको रिवाइज करा है हमने काफी टाइम पहले, तो ये चीजें मांगती है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस देते हैं तो इस तरह से आपको हर चीजें टिप्स पे याद हो जाएंगी। आपको पता होना चाहिए से विटामिन के बारे में, आपसे बात करते हैं विटामिन बी से होने वाले रोग को क्या बोलते हैं। विटामिन बी से होता है बेरीबेरी, सी से होता है स्कर्वी, सूर्य के प्रकाश से हमको कौन सा विटामिन मिलता है, तो ये मिलता है विटामिन डी। तो ये चीजें आपको याद होनी ही होनी चाहिए, ये कभी भी आपसे टकरा सकती है आपके एग्जाम में। तो स्टेटिक जीके क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए, स्टेटिक जीके कहाँ से कितनी पढ़नी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे कि ये मैं आपको मैंने पढ़ने का छोटा सा काम दिया, आप वीडियो को पॉज करिए उसको पढ़ लेना प्लीज, ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी होती है, सबसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता किसको पड़ती है, कौन सी फसल को, तो ये पड़ती है गन्ने को। तो देखिए नलकूप, कुआं और नहर, तो ये है आपके सिंचाई क्षेत्र का क्षेत्रफल के आधार पर निम्न, तो नलकूप सबसे ज्यादा, फिर नहर, फिर कुआं, तो यहाँ से होती है आपकी सिंचाई। तो नलकूप द्वारा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। नलकूप द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है, तो ये होती है उत्तर प्रदेश में। और भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, हमको लगता है कि हम रोटी खाते हैं तो क्या पता गेहूं होगा, लेकिन नहीं, खाद्य फसल जो है वो है आपकी चावल। और भारत विश्व में ब्राजील के बाद चीनी उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, और चाय के उत्पादन एवं उपभोग में भारत का विश्व में पहला स्थान है। कौन सा स्थान है, पहला स्थान। और उसके बाद हम बात करते हैं भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। और चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो यह है आपका पश्चिम बंगाल। अभी हमने देखा था ना ऊपर, देखिए पश्चिम बंगाल, ये था चावल पश्चिम बंगाल। तो इसी तरह से आपको ये सभी स्टेट याद करनी है। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने एटलस परचेस नहीं करा तो एटलस परचेस कर लेना, और ये सभी स्टेट अगर आप एटलस में देखते हैं तो आपको बहुत जल्दी ये सब चीजें याद हो जाएंगी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो हुई थी, लागू हुआ था, ये कब से लागू हुआ था, ये हुआ था 1999 में। और हरित क्रांति का प्रारंभ कब से हुआ था, तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। और पंचवर्षीय योजना ये कब से कौन कौन से वर्ष तक लागू हुई थी, तो वो वर्ष आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपसे पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस करा था, देखते हैं आपको पिछला कितना याद रहा। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप रिप्लाई मत करना, लेकिन अगर आपने देखा है तो आप रिप्लाई जरूर करना। तो इस तरह से आपको ये भी चल जाएगा पता कि आप कितना भूला कितना याद रहा आपको, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चंस के माध्यम से, जो मैंने क्वेश्चंस पूछा है कि ये योजना कब तक लागू हुई थी, कब से कब तक स्टार्ट हुई थी, तो वो वर्ड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ हुआ था सबसे पहले 1904 में। और कॉफी बोर्ड मुख्यालय कहाँ पर है, अधिनियम कौन सा है, तो ये आप कम्प्लीटली खुद देखेंगे, इसको बुक को इसी तरह से आपने हाईलाइट करना है और ये चीज़ आपने खुद पढ़नी है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं उद्योग के बारे में कि आजादी के बाद भारत में औद्योगिक नीति संबंधी प्रस्ताव हुआ था 1948 में लागू, और भारत में औद्योगिक नीति पुनः 1956 में लाई गई थी। कब लाई गई थी, 1956 में। और सन 1973 में दत्त समिति की सिफारिशों के आधार पर संयुक्त क्षेत्र का गठन किया गया था, और नई औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी 24 जुलाई 1991 में। तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, वो वर्ष बताइए क्या था, एग्जाम में ये पूछेगा, तो आप याद रखना 1991। और नई औद्योगिक नीति में क्या हुआ था, क्या प्रमुख कार्य था, निजीकरण एवं उदारीकरण प्रमुख थे। और नवरत्न का दर्जा जो होता है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा प्राप्त होता है, ये होता है आपका केंद्रीय लोक उद्यम विभाग के द्वारा। अब हम बात करते हैं नवरत्न दर्जा प्राप्त करने वाली कंपनी के नाम, स्थापना और मुख्यालय। तो देखिए कंपनी तो बहुत सारी है इसमें, इसमें टोटल 21 कंपनी है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे केवल और केवल 3, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 का हम डिस्कस करेंगे। BHEL फुल फॉर्म इसकी होगी, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। स्थापना हुई थी इसकी 1962 में, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। फिर हम बात करते हैं IOC, इसका फुल फॉर्म है भारतीय तेल निगम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो स्थापना हुई थी इसकी 1964 में, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। फिर आपसे बात करते हैं बेल के बारे में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। फिर हम बात करते हैं भारतीय नौवहन निगम SCI, स्थापना 1961 में, और मुंबई में इसका मुख्यालय है। कॉल मतलब कॉल इंडिया लिमिटेड CIL 1975, हेडक्वार्टर कैलकाटा।
देखिए भारत में महारत्न कंपनियां कौन कौन सी है, नवरत्न ये है और महारत्न कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो ये है एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, आईओसी, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड एंड गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। व्यापार के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए अब व्यापार क्या होता है हम देखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व भारत के विदेशी व्यापार उपनिवेशवाद के सिद्धांतों से संचालित होते थे, परंतु स्वतंत्रता के बाद इसकी दशा वे दिशा में व्यापक परिवर्तन आए। स्वतंत्रता के बाद विदेशी व्यापार की अंतर्मुखी नीतियों को अपनाया गया और आयात प्रतिस्थापन की नीति इसका आधार बनी। व्यापार उदारीकरण का प्रयास 80 के दशक से आरंभ हुआ था तथा 90 के दशक 1991 ईस्वी के बाद में उदारीकरण वे विश्वव्यापीकरण का व्यापक नीति बनी। अब हम बात करते हैं 2011 और 12 में तेल के आयात में लगभग 47% की वृद्धि हुई थी, जबकि सोने चांदी में 49% की वृद्धि दर्ज की गई। सोचिए तेल का आयात इतना परसेंट की वृद्धि हुई थी और सोने चांदी में कितना परसेंट की वृद्धि हुई थी, 49%। सोचिए ये बात कर रहे हैं हम लोग कहाँ पर, इतना इसका आयात हुआ था। तो पैसा तो बहुत है भारत के पास लग रहा है ना। वर्ष 2011 में निर्यातक वे आयातक देशों में भारत का स्थान क्या रहा है, निर्यात हुआ, निर्यात में अगर बात करी जाए तो ये 19वां स्थान था और 12वां स्थान था, हमने ज्यादा इंपोर्ट करा। तो एक्सपोर्ट में 19 पोजीशंस और ये था, और इंपोर्ट में 12th पोजीशंस में भारत रहा। भुगतान संतुलन में सुधार हेतु रिजर्व बैंक द्वारा 19 अगस्त 1944 को रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषणा कर दिया गया। महत्वपूर्ण सिद्धांत, एगल का सिद्धांत क्या था, तो इसने क्या बोला था, देखिए इसने ये बोला था कि इस सिद्धांत के अनुसार एक परिवार की आय बढ़ाने पर उसका खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च का प्रतिशत कम हो जाता है। और अब हम बात करते हैं प्रमुख कथन, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, तो ये कथन किसका था। कभी कभी एग्जाम में आपसे कथन के बारे में पूछ लेता है कि ये कथन किसका था, तो ये कथन पूरा आपको याद रखना है कौन सा कथन किसका था। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, तो ये कहा था रॉबिन्स ने। तो रॉबिन्स ने काफी सारी बातें कही थी, लेकिन आपको रॉबिन्स का भी याद रखना है, और आपको याद रखना है आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य जे के मेहता सुख प्रदान करता है, ये कहा था किसने कहा था, ये कहा था जे के मेहता ने। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के ऊपर कुछ लिखी पुस्तक और उनके लेखक के नाम। वेल्थ ऑफ नेशंस ये बुक किसने लिखी थी, ये बुक लिखी थी एडम स्मिथ ने। किसने लिखी थी, एडम स्मिथ ने। और उसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये पुस्तक लिखी थी मार्शल ने, और दास कैपिटल ये तो आपको पता होगा, एग्जाम में कई बार आपको पूछा भी गया होगा, तो ये है आपका दास कैपिटल लिखी थी कार्ल मार्क्स ने। और उसके बाद में हाउ टू पे फॉर वॉर तो ये लिखी थी बुक कीन्स ने। उत्पादन फलन, उत्पादन के साधनों तथा उत्पाद की मात्रा में संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं, यह साधनों तथा उत्पाद के बीच तकनीकी संबंध को प्रकट करता है। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो क्या होता है, सीमांत उत्पाद किस प्रकार का होता है, तो ये होता है शून्य। तो सीमांत उत्पाद क्या होता है, शून्य हो जाता है, कब, जब कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है। काफी चीजें मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपको पढ़ना है, अगर आप जॉब के लिए स्टडी नहीं कर रहे हैं, जस्ट नॉलेज गेन करने के लिए आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज बुक मार्केट से परचेज कर लीजिए। अकेले तनहा आप किसी कोने में बैठ जाइए, कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर एक एक पन्ना एक एक लाइन को अपने जहन में बसा लीजिए। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ केवल उन स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, जिनका टारगेट है एग्जाम क्रैक करना और एक अच्छी सी जॉब पाना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही समय पर पूरा करना। जो स्टूडेंट इस तरह के स्टूडेंट है वो केवल इसी पॉइंट पर फोकस करेंगे। तो देखिए प्रभावपूर्ण इच्छा ही क्या होती है, ये होती है मांग। एक बच्चा अगर आपके साथ में मार्केट में कहीं घूमने जा रहा है, उसको एक बैलून पसंद आ गया, एक तो उसने सिंपल आपकी ओर इशारा करा कि मुझको बैलून चाहिए, नॉर्मली एक तरीके से उसने बोल दिया और आपने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया, ठीक है, वो उसकी मांग थी, लेकिन उसकी मांग वो टेम्परेरी मांग थी। लेकिन अगर बच्चा जिद पे अड़ गया, उसने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया और वहीं पे डट गया, मतलब एक स्टैचू बन गया उस स्थान पे कि मुझे ये बैलून चाहिए, तो बस चाहिए,
तब वो कहलाएगी मांग, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, तीव्र इच्छा उसकी जाहिर है उस चीज को प्राप्त करने के लिए, तब कहलाती है मांग। ठीक है, यदि अन्य बातें सामान्य रहे तो मूल्य बढ़ने में मांग घटती है। अगर किसी भी चीज का रेट मैं बढ़ा दूं, अगर आप कोई बुक परचेस करके ला रहे हैं, ये लूसेंट की बुक आप मार्केट से परचेस करते हैं, तो शायद आपको 120 या 150 में मिल जाएगी। अगर 150 का प्राइस मैं डायरेक्ट कर दूं 500 रुपये, तो इसकी जो डिमांड होगी बुक की, वो मार्केट में क्या होगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है, तो मूल्य घटने पर क्या होती है, मांग बढ़ जाती है। अगर यही मैं 150 रुपये की बुक को कर दूं मैं 50 रुपये की, तो ऑटोमेटिक मेरी सेल क्या होगी, बढ़ जाएगी। और आगे हम बात करते हैं, गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता। मांग का नियम कौन सी वस्तुओं में लागू नहीं होता है, क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लेता है। याद रखना, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये स्किल्स आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी और करनी ही करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं, केवल बस भगवत गीता की तरह आपने ये मेरा प्रवचन सुन लिया, बस किताब को बंद कर दिया, किसी और काम में लग गए, बस फिर तो आपने टाइम वेस्ट करा, अपना डाटा खर्च करा, कोई फायदा नहीं है इसका। तो इसलिए रिवीजन जरूर करना साथ में, ठीक है। रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है वीडियो खर्च करने का, इसलिए बढ़िया अपना किसी यूट्यूब में कोई यहाँ वहाँ का कोई फालतू फंड का जो चैनल वगैरह होते हैं, उन सबके वीडियो वॉच करिए, इंजॉय करिए लाइफ को। तो टारगेट यही है जो मैं कहना चाहता हूँ, कि पढ़िए, रिवीजन जरूर करिए। तो गिफिन वस्तुओं में क्या होता है, मांग का नियम लागू नहीं होता है। क्वेश्चन क्या बनता है, मांग का नियम लागू कहाँ पे नहीं होता, तो ये होता है गिफिन वस्तुओं में। और मांग की लोच का एक्चुअली एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है, सही फॉर्मूला जो होता है वो होता है मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन में मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग संभव होने पर क्या होती है, मांग लोचदार हो जाती है। मांग लोचदार कब होती है, जब क्या होता है, वैकल्पिक प्रयोग के संभव होने पर। ठीक है, और गिफिन वस्तु में क्या आता है, गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं, मतलब लो कैटेगरी की वस्तुएं होती है, मूल्य में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं में एक्चुअली कोई फर्क, गिफिन वस्तु की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है, मूल्य में कमी होने पर इसकी मांग कम हो जाती है। इस विरोधाभास को गिफिन विरोधाभास की संख्या दी गई है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ, और आपसे मैं कहना चाहूंगा कि इस पॉइंट को आप खुद पढ़ें, राइट, खुद पढ़ें। थोड़ा मुझे स्पीड एक्चुअली इतनी पकड़नी पड़ रही है आपको पढ़ाते समय, कुछ चीजों को पढ़ते समय, अगर मैं काफी स्लो स्लो पढ़ता हूँ तो शायद वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, और लंबे वीडियो शायद बच्चे नहीं देखते हैं, शायद क्या, जो मैं एक्चुअली रिपोर्ट चेक कर रहा हूँ अपने चैनल की, तो लंबे 30 मिनट के वीडियो बच्चे नहीं देखते हैं, 10 मिनट के बाद बच्चे बोर हो जाते हैं। तो इसलिए कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, वीडियो की लेंथ कम रहेगी, और मुझे काफी सारे पेज इसके कवर करने हैं, पूरी बुक खत्म करनी है, तो शायद स्पीड भी मुझको कहने के मेंटेन करनी पड़ेगी। तो आप मेरा साथ दीजिए, आप मेरी बातों को समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब मैं बात करता हूँ मुद्रा स्फीति के बारे में। मुद्रा स्फीति वह स्थिति होती है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य क्या होता है, इसमें गिरता है। मुद्रा का मूल्य क्या होता है, इसमें गिर जाता है, और क्या होती है, कीमत स्तर में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। यानी मुद्रा स्फीति वह अवस्था होती है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, मूल्य स्तर में लगातार वे महत्वपूर्ण वृद्धि होती रहती है। याद रहेगा इतना, और इस लाइन को एक बार खुद भी पढ़ लीजिएगा। फिर मैं बात करता हूँ आपसे कि अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं चलन स्फीति। चलन स्फीति क्या होती है, किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को बोलते हैं चलन स्फीति। आगे हम बात करते हैं, देखिए बजट के घाटे को पूरा करने के लिए क्या होता है, हिनार्थ प्रबंधन के अंतर्गत एक प्रबंधन होता है, इसका नाम है हिनार्थ, के अंतर्गत क्या होता है, नए नोटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है जिससे कीमतों में वृद्धि होती है, इसे हिनार्थ प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, इसमें किसको क्या कहा जाता है, ये आप प्लीज 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 को याद रखना। फिर हम बात करते हैं खुली मुद्रा स्फीति क्या होती है, इसमें क्या होते है, समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर नियंत्रण, कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता, नहीं लगाया जाता, जबकि दबी मुद्रा स्फीति में क्या होता है, उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगाया जाता है। दबी में क्या होता है, नियंत्रण लगता है, लेकिन क्या होता है, जो खुली होती है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्स या नियंत्रण उपभोग पर नहीं लगता है। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे अलविदा, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, लेकिन उससे पहले आप एक बार इस चैनल पर जो प्लेलिस्ट है वहां पर आपको इसकी कंप्लीट किताबों की कुछ सिलेक्टेड वीडियो मिलेंगी, वो आप देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, लाइक करिए और अपने फ्रेंड तक इसको शेयर करिए। मिलता हूँ जल्द एक नई वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन अगेन अगेन, बुक परचेज नहीं करिए तो मार्केट से बुक परचेज कर लो, प्लेलिस्ट लिस्ट में जाओ, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करो। आपका जो भी टारगेट है एग्जाम का वो पक्का क्रैक होगा, लेकिन किंतु परंतु आपको रिविजन करना पड़ेगा। धन्यवाद।